दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला है समझा कैसे हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देखकर जरूर से अच्छे हो जाएंगे। हमारे घर के पास बेड बाथ एंड बियॉन्ड है, वहाँ पे जाने के लिए आई हूँ मैं एंड विनर्स है। यस, हम लोग अब कैलगरी में रह रहे हैं। अभी मुझे ये न्यूज पची नहीं है, यकीन नहीं आ रहा कि ये कैलगरी है या टोरंटो ही है, क्योंकि अभी ठंड नहीं हुई ना, अभी समर्स चल रहे। पर यहाँ के समर्स भी अजीब ही हैं, लाइक ठंडा ही रहता है, कोटी पा के रखती हूँ मैं ऑल द टाइम। सो तरीक मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद फ़ोन को कैमरे को उठाया है वीडियो शूट करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने तभी उठाया था जब यहाँ पे आए थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि याद बने। दिल मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था शूट करने के लिए, पर फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के थोड़ा शूट किया। बोलना मुझे लगता नहीं होगा मैंने कि नहीं, वो व्लॉग आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। वो व्लॉग होगा हमारा रोड ट्रिप टोरंटो टू कैलगरी। अगर नहीं देखा है तो देख लें, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि यूनिक है वो, क्योंकि बहुत कम लोग मुझे लगता है बाय रोड आते हैं, क्योंकि अन्य दिन कौन लगाता है, राइट। आई एम फीलिंग लिटिल बेटर नाउ। गाने सुनने मैंने दोबारा से शुरू किए हैं, सिद्धू के ही गाने और किसी के नहीं। पर पहला अभी ऐसे यही है कि उसके गाने सुन के ना भूल जाती हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे इमेजिन करती हूँ कि यहीं पे है, यहीं पे है। पर जब आप सोचना शुरू कर दो ना कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो फिर होती उसके गाने भी मुझे बहुत पेन देते हैं, मेरे दिल में लिटरली दर्द होता है, लाइक बहुत बुरा फील होता है मुझे। तो आज मैंने सोचा कि व्लॉग करते हैं जिद्दा किद्दा भी हिम्मत करके। आई डोंट नो गाइस, इतना आसान नहीं होता ना। कई लोग मैं देख रही हूँ कि बस RIP दी पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरा फील होया, फिर नाली नॉर्मल हो जाते हैं। आई नो उनका काम है, पर इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं लोग। आई डोंट नो वो फेक करते हैं अपने हैप्पीनेस या फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैनू बहुत ज़्यादा पेन हुई, पहली बार मुझे इतनी पेन हुई किसी सेलिब्रिटी की जिससे हम मिलते नहीं है, राइट। टीवी पे देखते हैं जैसे। पर यू नो, जब मैंने वीडियो अपलोड की थी ना मेरी लाइफ अपडेट, जिसमें मैं बताया था कि मुझे बहुत पेन हुई है इसकी डेथ की, बहुत सारे दोस्तों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि हमें भी ऐसी पेन हुई। और बहुत सारे दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने उसके गाने इतने ज़्यादा सुने भी नहीं है, तब भी उससे उनको भी पेन हो रही है। तो मैंने लगा कि यार पागल नहीं हूँ मैं, दैट मीन इट्स नॉर्मल। मैं क्या करने वाली हूँ, आपको बताया मैंने विनर जाना है, बेड बाथ बियॉन्ड जाना है, क्योंकि मुझे बेडिंग चाहिए मेरे घर के लिए। मेरे घर के लिए मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें खरीदी हैं, कुछ आइकिया से, कुछ विनर से, मार्शल से। मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, अब मुझे भूल भी गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी थी। जब मैं होम टूर करूँगी तब दिखाऊंगी, या व्लॉग्स में आपको बताती रहूँगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पूछ लिया करना कि ये कहाँ से लिया है मैंने। अभी मेरा घर कम्प्लीट नहीं हुआ, कम्प्लीट से फार फार अवे है, पर यार धीरे धीरे मैं चीज़ें कर रही हूँ, बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग लिटिल नॉर्मल। शॉपिंग की शुरुआत से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक अपने लिए स्टारबक्स लूँ, ताकि फिर मैं मोटिवेट एंड हैप्पी फील करूँ शॉपिंग के लिए। सो हम पहुँच गए हैं स्टारबक्स एंड मेरे सामने काफ़ी दुनिया है, और सोची होगी कि पागल जी पूरी अपने आप से बातें करिए, पर इट्स ओके, आजकल लोग ईयरपॉड्स भी लगा के बातें करते हैं ना। सो जल्दी जल्दी से हमारे लिए कॉफ़ी पिक करते हैं सबसे पहले, एंड देन वी विल शॉप। एंड मैं आपको लेके चलूंगी कि मैं क्या खरीदती हूँ। हो सकता है मैं कुछ भी ना खरीदूँ, क्योंकि मेरा मोटो है पसंद आए तो लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। मरे नहीं जा रहे हम लोग, राइट। Can I get a grande size latte with soy milk? Grande latte with soy milk. Can you put half shot of espresso? Just half a shot? Yes. So it usually gets to do you want 0.5? One. Oh, it's latte. And you want it hot, right? सो कॉफ़ी का कप ले लिया हमने। अब हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि साड़ियाँ दुकानें किधर हैं जिधर हमें जाना है। सो हेयर इट इज़ बेड बाथ एंड बियॉन्ड। यहाँ से मैं बेडिंग लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो बेडिंग है बहुत खस्ता लग रही है मुझे वो। तो मेरी चाह एंड मैं स्लीव लेना भूल गई हूँ, एंड मेरा हाथ सड़ रहा है दोस्तों। इट्स ओके, वी गोना डू इट। बहुत लंबा समय हो गया कि मैंने मेरी खुद की वीडियो नहीं बनाई। मैं कितनी खूबसूरत हूँ मैं भूल ही चुकी हूँ। एक दिन पहले भी यहाँ पे आई थी मैं, सारा कुछ इतना महंगा थी, कुछ नहीं लिया मैंने। पर आज फिर देखते हैं, कुछ ट्रॉली लेते हैं सबसे पहले, ट्रॉली चचा रखते हैं। You were just a baby. दुकान तो काफ़ी चमकदार है। सो फार मैंने खरीदे हैं ये बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे क्यूट से चम्मच, ये स्पेशल पे हैं।
एनी फोर्क इसे सैलड के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, ये प्यारा सा राइस के लिए। लुक एट हाउ शाइनी। सो लेने के लिए आई हूँ मैं कुछ और बेडिंग, पर एट द अदर टाइम पास करना शुरू कर दिया। वैसे भी क्लियरेंस वाले सेक्शन में रुकना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे मिलती है अच्छी डील। ये देखिए, ये ना नैपकिन के रिंग्स हैं। अगर आप किसी को डिनर पे बुलाते हैं, थोड़ा फैंसी टेबल सजाना चाहते हैं, तो कितने क्यूट है ना। एक ये है, आजकल ये बैम्बू स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हर चीज़ के लिए। एंड एक ये भी है, बहुत सारे हैं। आई थिंक ये $7 ईच है, मेरे पास ऑलरेडी है मुझे लगता है। अब पता नहीं पैकिंग में कहाँ पे रख दिया मैंने। फॉर सम रीज़न ना मेरे लिप्स बड़े ड्राई हो रहे हैं। कैलगरी इज़ ड्राई। मैंने सुना है कि कैलगरी बहुत ड्राई है। That's it. Okay, so यहाँ पे ये प्लांट्स भी हैं एंड आई हैव ये वाला प्लांट पता नहीं कितना है, आई थिंक 6 feet होगा ये, 709। इसका प्राइस है 300 एंड लुक एट दिस हाउ लवली इट इज। देयर इज योर ब्यूटीफुल फ्रेंड विद अ ब्यूटीफुल मिरर। सो आजकल क्या है कि ये वाला जो है ना, ये शेप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप लेना चाहें तो आप वाली शेप लो। दिस डम प्लांट ऑलमोस्ट 500 का। सो टाइम टू गो टू विनर्स। ओके, सो गाड़ी में वापस आ चुकी हूँ मैं एंड वो गर्ल पूछ रही थी कि तुम्हें वो मिल गया जो तुम ढूंढ रही थी। मैंने कहा कि यस, मिल गया। मिला नहीं है वैसे, पर मैं क्या किया ना बेचारा का दिल तोड़ना, या फिर कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। ओ क्या ढूंढ रही थी तुम, क्या नहीं मिला तुम्हें, ब्ला ब्ला ब्ला। सो अब हम घर जाने वाले हैं एंड आज मैं बनाने वाली हूँ लंगर स्टाइल दाल। लंगर स्टाइल माँ की दाल बनाने के लिए मैं दाल को ना एक रात पहले भिगो देती हूँ और फिर स्लो कुक करती हूँ। मैं बाहर आने से पहले उसको रख के आई थी एंड वो स्लो कुक हो के बहुत डिलीशियस होगी होगी। अब मैं जाके तड़का लगाऊंगी एंड फिर हम राइस कुक करेंगे। एंड मिला आज मैं पहली बार मेरी किचन में भी वीडियो शूट करूंगी। सो होपफुली अगर मैं सही फील करती रही तो हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो के साथ। और अब हम घर चलते हैं, जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर आप मुझे पहले सुनते ना, पहला एक महीना मेरी घर मेरी गाड़ी में ना साइलेंट ही रहा है। आज दिल कर दिया है मैंने गाने रौला पा दिया गली में मैंने। हेलो गाइस, से हाय टू व्लॉग। हाय गाइस। हेलो। सो आज तुम दोनों का पहला दिन है इस घर में व्लॉग करने का। हाउ यू फीलिंग सर? मैं तो पक गया। मैंने कितनी बार कहा कि व्लॉग बना, तूने बनाया नहीं। तो ऐसे बूथा बना के व्लॉग बनाएंगे तो पकवान पे पकेगा ही, दुनिया पब्लिक भी पकेगा। चलो खाना खाना है, भूखा बैठा हूँ। So what's for dinner today? दाल एंड पराठी एंड एग पराठी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस किचन में। थोड़ी मेस है आज क्योंकि आज मैंने प्लान नहीं बनाया था वीडियो बनाने का, फिर मैं सोचा कि वीडियो बनाते हैं, देखी देखी जाएगी। सो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल, लंगर स्टाइल दाल, जो कि मैं रख के गई थी स्लो कुक हुई है, बहुत मजेदार हो चुकी है ऑलरेडी। आपको अब दो आएंगे बंदे किचन हैंड्स, वो मुझे हेल्प करेंगे तड़के। ये बच्चा नाइफ से डीलिंग कर सकता है, जो बच्चा कर सकता है वो नीचे आया नहीं अभी। I got very big fork for serving it's so big salad. Goodness. And this is for rice. It's okay. Just spoons. So 6 spoons. So these spoons. These are nice and shiny. So these 3 spoons. And they were on special. Okay, so number one kitchen hand यहाँ पे पहुँच चुका है। ये kitchen hand बस अपनी शक्ल देखता रहेगा। ओके दोस्तों, तो किचन हैंड नंबर वन आ चुका है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा मजेदार है गार्लिक छीलने में एंड ऐसे। तो क्रांति गार्लिक से छिलो तुम। थोड़ा ज्यादा बहुत मामा नहीं डाला। बदतमीजी में होता जाता है, ये बदतमीजी में होता जाता है। कई बार मैंने सोचा कि इसको काम से निकालते, पर फिर फ्री में बंदे भी कम मिलते हैं काम के लिए। अनियन, वाइट अनियन। ओके गाइस, यू नो जब मैं इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब करती थी मेलबर्न में, वहाँ पे एक बंदा था काम करने वाला जो इन्ना खिजिया रहता था,
ਤੇ ਉਹ ਉਸकी ਖੇਚੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੀ ਆ ਸਾਈਕੋ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ओके इसी तरह होता है कि मैं कोई बात बताना शुरू करती हूँ फिर हम दोनों बातों में गुम जाते हैं सो ऐसा नहीं करेंगे हम तो या मेरे पति कई बार एंग्री हो जाते हैं एंड ऑफ द स्टोरी सो हस्बैंड ने गार्लिक छेल दी क्यों ना जब मुझे काम कहती है बेहुदा काम कहती है मुझे दिखने कौन बोल देखो जी आज मैं बनाऊंगा मसल बनाने वाली जबरदस्त हेलो हेलो इट्स योर टर्न कॉल टुडे बोल दे मैं दस बार फोन कर रहा सच का सच क्या चोर ने नंबर दे क्यूबेक का नंबर ब्रिटिश कोलंबिया ओके सो हस्बैंड का काम है आजकल रियल एस्टेट में समय स्पेंड कर रहे हैं वो एंड हम दोनों हैरान हो रहे हैं इतने खूबसूरत घर अद्धे प्राइस पे उन डैडियों के मुकाबले सो अगर आप जानना चाहते हैं ना तो हस्बैंड का इंस्टाग्राम फॉलो कर ले क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं या जो भी घर वो उनकी नज़र में आते हैं तो वहाँ पे वो अपलोड करते रहते हैं एक्चुअली लाइक आई रियली लाइक दोस प्रोजेक्ट्स वेयर बिल्डर्स आर ऑफरिंग रेंटल एश्योरेंस ओ या रिसेंटली हस्बैंड ने ना कुछ प्रोजेक्ट शेयर किए जो कि वो जो बिल्डर है वो एश्योर कर रहा है कि दो साल तीन साल टू ईयर रेंटल टू ईयर रेंटल एश्योरेंस दे रहा है वो कि इतने पैसे तक आप वहाँ से कमा सकते हैं एंड वो प्राइस भी बड़ा अच्छा है like $3,500 per month and the cost of the property is only $650,000 आप हस्बैंड को फॉलो कर लो अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं एंड रियल एस्टेट में कमाना चाहते हैं तो yeah, he's the guy. ये सिर्फ लसन ही नहीं छीलते हैं दोस्तों तो लंगर स्टाइल दाल बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दाल को ना रात को भिगो ले एंड अगले दिन स्लो कुक करें एंड उसके बाद सिंपल सा तड़का लगाएंगे गार्लिक हरी मिर्ची जिंजर खूब सारा टमाटर एंड प्याज का सो इसकी ना एक छोटी सी रील है मेरे इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे जहाँ पे भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है अब बनाने के बाद हस्बैंड के रिव्यू भी ले लेंगे अब मैं मत सोचना यो अदा नहीं अदा लंगर जैसा स्वाद आएगा एंड एक और टिप है जब आप ये दाल बनाएं ना थोड़े प्यार से बनाएं एंग्री होकर बनाएंगे तो फिर तो कुछ भी बेकार ही बनेगा जैसे मेरे पति बनाते हैं दुखी हो गए ओके जो हमारी किचन है ना अभी तक हमने पूरी सेट नहीं की है जैसे हमें चाहिए पर थोड़ा ऐसे हो गया है कि जिन्ना हम यूज़ करते हैं उन्ना थोड़ा मैनेज कर लिया हमने बाकी चल रहा है हमारा अभी प्रोसेस थोड़ा समय लगेगा कि कैसे हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है सेटिंग तो मैं क्या करूँगी जिंजर को एंड हरी मिर्ची को एक साथ क्रश कर लूँगी आई डोंट नो इसके साथ ना कुछ डिफरेंट फ्लेवर आता है वैसे मैं हरी मिर्ची को टमाटर के साथ करती थी पहले जो मुझे पहले करनी चाहिए थी क्योंकि तड़का लगाने में मैंने ना कपड़े पीले हो गए हस्बैंड ने कहा ओ कोई गर्ल नहीं यू आर वेरी एक्सपर्ट ब्ला 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 सो अब दाल होगी और कुक कर रही हूँ उसे मैं एंड राइस रख दिया मैंने अब तक मैं डिशेस को क्लीन कर रही हूँ Those stars so in love kissing in the rain My apologies hallucinating all again Don't know it's real or fake When will be the day I know you come as you please Still so patiently, your kiss is so heavenly.
इसमें मेरा सैलड रेडी हो चुका है। पत्ती को मैंने कहा कि पा के मिक्स कर दो, पत्ती ने मिक्स नहीं किया। अद्धी पा तो अद्धा काम कर दिया। क्या आपके पत्ती भी ऐसे हैं? अगर ऐसे हैं तो बदल लीजिए। मार्केट में ऑफर चल रहा है, एक के बदले एक फ्री। आई एम स्टक विद हिम, व्हाट टू डू गाइस। सो या लुक एट दिस ब्यूटीफुल सैलड। किसी भी बोरिंग फूड को अगर आपको खुशनुमा बनाना है ना, तो इसके साथ बन जाता है। सो हस्बैंड को भी थोड़े राइस दे देते हैं, वैसे वो ज़्यादा राइस खाना नहीं चाहते हैं आज। सो कल मुझे बनानी थी बिरयानी और हमारे राइस फिनिश हो गए। और हमारे घर के पास सोबीज़ है, मैंने हस्बैंड को कहा कि छोटा सा पैकेट ले आओ राइस का, पर वो बड़ा सा पैकेट लेके आ गए, 10 किलो वाला, आई डोंट नो, पता नहीं 7 किलो। अब हम उस राइस के साथ स्टक हो गए हैं क्योंकि हम फिनिश करने पड़ेंगे। सो ये वही वाले राइस है, देखने में इतने खूबसूरत नहीं है, पर मेरे हस्बैंड कुछ भी खा लेते हैं तो ये उन्हीं को खिलाएंगे हम। एंड मैंने सोचा उनको राइस एंड दाल थोड़ा दे देते हैं पहले, फिर उसके साथ हम फुल्का दे देंगे। पति खुश हो रहे हैं। पिद्दी पिद्दी ग्रेन लेके आ गए पति। गाइस हस्बैंड ना अपना फोन देख रहे हैं और हिम्मत कह रहा है कि फोन बंद करो, लेट्स हैव सम फादर एंड सन टाइम। सो व्हाट यू, हाउ यू गाइस गोना हैव फादर एंड सन टाइम? हॉकी। ओके दैट्स नाइस, गुड जॉब। ये मां भी डाल रही है। इट्स ओनली मां एंड छोले एंड दाल सर। करो गल्ला, हम दोनों जाने चुप करके। रोटी खाई थी और तुमने इतनी गल करी थी। But then why you and mama talk to each other? That doesn't make sense. वो कर लो गल बात मारी। चौक हो जाना फोन। Mama, daddy is making no sense. First things first, when you and daddy sitting together, you always talk when you're eating. We just take a little bit and then talk. So let's do that. Okay. मम्मी डैडी ने कुल कर दे। Guys, look at this mosquito bite. So हम लोग गए थे बाहर वॉक करने के लिए। मैंने सोचा कि खा पी लिया है, थोड़ा वॉक करते थोड़ा अच्छा पचा लेते हैं, पर जैसे हम बाहर निकले कुछ मच्छरों ने हम पे हमला कर दिया। और बाहर इतने ज़्यादा मच्छर हैं आज कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम बात करते करते दूर निकल गए, हमने सोचा कि हमें ही फील हो रहा है, पर अगर हम घर के नज़दीक होते तो स्प्रे कर लेते, क्योंकि काफ़ी सारी स्प्रेज मैंने रखी हैं। पर मैंने ऐसे 3 जगह काट दिया मच्छरों ने। एंड लुक एट दिस मीमी आर्म, वैस कैन सी किन्नी स्वेल होगी। तो इसी तरह हम मच्छरों से बचते हुए घर पहुंचे और हम अब जा रहे हैं, थोड़ी देर टीवी देखेंगे एंड देन हम सो जाएंगे। इतने ज़्यादा ब्राइट रोशनी से कंफ्यूज मत होना, समय 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 बज रहे हैं एंड सो 10 बज रहे हैं ऑलरेडी। और सूरज देख लो ऐसे लग रहा है जैसे अलास्का में है हम। It looks like, it's looked like 5 o'clock. अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें एंड हिट द बेल एंड हिट द बेल ताकि जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँ आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आई है। सो यू कैन मिस एनी, यस, सो आप मेरी कोई आने वाली वीडियो को मिस नहीं करेंगे। एंड दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने मुझे पहली बार देखा है तो ये ज़रूर से याद रख लें कि मैं
मैं बहुत ही ज़्यादा गुणकारी एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ हर चीज़ में. सो अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखेंगे आपको हज़ारों चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल. हिम्मत ज़्यादा देख रहा है, बोल क्या रही है मिमी. और यार ज़्यादा बड़ा होने ओके दोस्तों, आपको मिलते हैं जल्दी ही फ्यूचर में. बाय बाय, अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग यू वांट. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी. बूम लेमन स्क्वीजी. बाय. बूम.